मुंबई के कुर्ला इलाके में उपनगर तालीम संघ और शिवसेना विधायक मंगेश कुडालकर की तरफ से मुंबई महापौर कुश्ती प्रतियोगिता का दो दिवसीय आयोजन किया गया, जिसमें महाराष्ट्र के अलावा कई दूसरे राज्यों के पहलवानों ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपना हुनर दिखाया। यह भी मिट्टी का एक खेल है, लेकिन अभी ओलंपिक के दर्जा के हमारे खिलाड़ी तैयार होने के लिए हम आज यहाँ पे मैट के ऊपर की कुश्ती हम लड़ रहे हैं। नहीं तो हमारी जो मिट्टी का खेल है वो भी कुश्ती बहुत ही पुराना खेल है, और उस खेल को हर उत्तेजन देना सरकार का हमारा सभी का काम है। हमारे अध्यक्ष संतोष साहू के मुंबई उपनगर तालीम संघ के अध्यक्ष, उन्होंने भी अच्छी मेहनत, उनके सभी अधिकारियों ने यहाँ पे संयोजन में लगाई हुई है, और एक टीम वर्क करके यहाँ का एक माहौल अच्छी तरह से होके आज अपने आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से एक मतलब प्रो कबड्डी का जैसा इवेंट होता है वैसे ही एक शुरुआत हमारी कुश्ती की भी हो रही है, और आगे जाके बहुत ही अच्छे प्रवण पे यह कुश्ती हो जाएगी। अखिल भारतीय महापौर के खिलाफ कुश्ती चल रही है, उसमें देखो अच्छा अच्छा इंटरनेशनल पहलवान खेल रहे हैं। हमारा भी अभी रियो ओलंपिक में नरसिंह यादव, हमारा भी पट्टा अभी ओलंपिक खेल रहे हैं। कल भी जो कुश्ती हुआ वो संदीप यादव दो साल पहले वर्ल्ड कप में थर्ड नंबर आया, पूरा इंडिया टीम में एक भी इंडिया को पद नहीं मिला। वो कई साल से वो संजय यादव ने उनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, और पिछले चार साल पहले नरसिंह यादव ओलंपिक में भी 74 वेट में खेला, और इस साल भी अभी रियो ओलंपिक में हमारा नरसिंह यादव जो पट्टा है वो भी ओलंपिक खेल रहा है रियो ओलंपिक। और वो नरसिंह यादव जो पहलवान है वो मुंबई महानगर पालिका का ही पहलवान था। आप यहाँ पर प्रसिद्ध जो है और वो भी मुंबई महानगर पालिका का महाचार स्पेशल जिस तरह से होना चाहिए वैसे हो रहा है, कि महाराष्ट्र से नहीं तो आजू बाजू के कर्नाटक, सेना दल, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पे भी बुधवार पहलवान आए हुए हैं, तो कुश्ती का अच्छा माहौल है। जटाशंकर सिंह की रिपोर्ट।